स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम बसमिल्लर रहीम जय फ्रेंड्स असलरसाइज थ्री पॉइंट वन एंड दिस इज़ क्वेश्चन नंबर थ्री लुक वी हैव टू टू रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म पार्ट फार गौर कीजिए कि यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है इसी तरह डिनोमिनेटर में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं अब हम चलेंगे फार्मूले की तरफ यहाँ कौन सा फ़ार्मूला लग रहा है a squared minus b squared let me write down the formula for you look a squared minus b squared equals a plus b and a minus b this is the formula we can apply here so let's solve it a squared this is a and this is b माइनस बी स्क्वेयर ओव इसे एज इट इज कॉपी कर लीजिए पी प्लस टेन सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला जस्ट फॉलो दिस पी प्लस टेन और इसे माइनस में भी लिख लेते हैं P माइनस टेन और P प्लस टेन ये दोनों कैंसिल हुए सो वी आर लेफ्ट विद P माइनस टेन दिस इज आर एंसर

थ्री यहाँ पर भी मौजूद है यहाँ पर भी मौजूद है इसी तरह ए वन यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी तो आइए कॉमन ले लेते हैं थ्री ए सो नाउ वी आर लेफ्ट हेअ विथ ओनली ए प्लस थ्री बंदा थ्री ए कॉमन ले चुके हैं सो बी एज इट इज ओवर यहाँ पर देखिए क्या कोई चीज़ कॉमन है बिल्कुल है थ्री यहाँ पर भी मौजूद है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो हमने थ्री कॉमन दिया सो लुक वी आर लेफ्ट विद ए स्क्वेड प्लस थ्री टू जार सिक्स ए बी प्लस थ्री वन जार थ्री एंड बी स्क्वेड 3 is cancelled by 3. Now, you can observe that we can apply a formula over here. Look a squared plus 2ab plus b squared equals a plus b whole squared. तो आइए फार्मूला यहां पर अप्लाई करते हैं सौ लुक वी आर ए ब्रैकेट ए प्लस बी ओ इस फार्मूला अप्लाई किया तो हमें ये मिलता है ए प्लस बी होल स्क्वायर नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप Copy this as it is. A plus B, whole square. is a yung biliksak thing. A plus B. And again, A plus B. So, A plus B cancelled by A plus B. So, we are left with A over A plus B. दिस इज योर रिक्वायर्ड एंसर पार्ट थ्री लेट्स गो फॉर द सोल्यूशन यहाँ कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा इसी तरह यहाँ पर भी कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा यहाँ गौर कीजिए कॉमन निकल रहा है ए इसी तरह यहाँ पर भी टू कॉमन है आइए फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कॉपी दिस एज इट इज ए माइनस बी ए प्लस बी कॉमन लिया ए वी आर लेफ्ट विद ए प्लस बी और यहाँ पर कॉमन टू लिया सो वी आर लेफ्ट विद ए स्क्ट माइनस बी स्क्वेड यू कैन सी यू हैव गट द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर हेयर तो इट मीन्स के ए प्लस बी ए प्लस बी से कैंसिल हो सकता है यहां पर फॉर्मूला लग रहा है लुक ए स्क्वाड माइनस बी स्क्वाड इक्वल्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी सो वी आर लेफ्ट हियर विद ए मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी और यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वी गेट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी ए माइनस बी कैंसल्ड बाय ए माइनस बी सो वी आर लेफ्ट विथ a over 2 a plus b this is a required answer part 4 आप x y को a suppose कर लीजिए और z को b suppose कर लीजिए this is a and this is b Now you can see that we can apply the formula of a squared minus b squared equals a plus b and a minus b. So let's go for the solution. हमें इसे एक दफा प्लस में लिखना है और एक दफा माइनस में. This is a and this is b. x plus y पहले हमने प्लस में लिखा और अब हम माइनस में लिखते हैं टेक द डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स plus y plus Z is a X plus y plus Z cancelled by the denominator X plus y plus Z so we are left with X plus y minus Z this is our required answer part 5. हमें सिंपलीफाई करना है तो हम फैक्ट्राइजेशन की मदद से सिंपलीफाई कर सकते हैं और फैक्ट्राइजेशन का फर्स्ट रूल है कि अगर कॉमन निकल सकता हो तो निकाल लीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर m कॉमन है यहाँ पर थ्री कॉमन है और यहाँ पर टू कॉमन है तो आइए सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं m कॉमन हुआ वी आर लेफ्ट विद m माइनस सिक्स यहाँ पर थ्री कॉमन है सो वी आर लेफ्ट विद एम प्लस थ्री फाइव आर फिफ्टीन नाउ लेट्स गो फॉर द डिनोमिनेटर टू कॉमन हुआ सो वी आर लेफ्ट विद टू वन हज़ार टू एम माइनस टू सिक्स आर ट्वेल्व एम माइनस सिक्स इज कैंसिल्ड बाय एम माइनस सिक्स थ्री एम हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और दिस ब्रैकेट कैन बी कॉपी एज इट इज एम प्लस फाइव और डिनोमिनेटर सिर्फ टू है सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ना लेट्स गो फॉर पार्ट सिक्स है इट इस यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है ना ही कोई फार्मूला अप्लाई होता नज़र आ रहा है थ्री टर्म्स हैं और यहाँ पर भी थ्री टर्म्स हैं तो आइए मिडल टर्म ब्रेक की तरफ चलते हैं उसके लिए हमें यह करना होता है कि फर्स्ट टर्म का जो कोफ़िशियंट है वन उसको लास्ट टर्म के कोफिशेंट से मल्टीप्लाई करना होता है तो वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे वन थ्री इ थ्री थ्री के हमें फैक्टर्स निकालने होंगे थ्री वन थ्री। जिन स्टूडेंट्स को मिडल टर्म ब्रेक मेथड नहीं आता या जो स्टूडेंट्स भूल चुके हैं दे आर सपोज टू पे अटेंशन लुक हमें फर्स्ट टर्म के कोअफिशेंट को थर्ड टर्म के कोअफिशेंट से मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ वन है यहाँ पर थ्री सो वन थ्री थ्री अब हमें थ्री के फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि माइनस करने से टू आ जाए तो अब देखिए यहाँ पर हमें जो फैक्टर्स मिले वो हैं थ्री और वन सो इट मीन्स थ्री एक्स एंड वन एक्स और अगर अब हम इन्हें माइनस करते हैं सो वी आर लेफ्ट विद टू एक्स अब देखिए हमें करना क्या है लुक एक्स स्क्वेट माइनस आप इन्हें एज चीज़ कॉपी कर लीजिए अब आपने जो फैक्टर्स बनाए हैं थ्री एक्स और वन एक्स इन्हें यहाँ पर पुट कर दीजिए थ्री एक्स अब देखिए कि हमें यहाँ कौन सा साइन रखना है माइनस प्लस माइनस हम यहाँ माइनस नहीं रख सकते क्यों क्योंकि अगर हमने यहाँ पर माइनस रखा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जबकि हमें माइनस चाहिए तो इट मीन्स कि हम यहां प्लस रखेंगे माइनस प्लस माइनस सो so, वन एक्स पुट किया बिल्कुल इसी तरह हम डिनोमिनेटर के साथ भी करेंगे मिडल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करते हैं आइए तो यहाँ को एफिशिएंट है वन तो वन को हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं वन टू द टू टू के फैक्टर्स निकाल लीजिए टू वन द टू तो हमारे पास यहाँ पर एक्स है तो हमें जो फैक्टर्स मिले वो है टू और वन तो टू एक्स एंड वन एक्स और यहाँ पर माइनस है तो हम अगर माइनस करें तो वी आर लेफ्ट विथ जस्ट एक्स जो कि यहाँ पर मौजूद है तो अब आप ये कर लीजिए कि एक्स स्क्वेयर माइनस और माइनस टू इनको एच एस डे आर कॉपी कर लीजिए हमें मिले हैं ये फैक्टर्स टू एक्स और वन एक्स आइए इन्हें यहाँ पुट कर देते हैं टू एक्स यहाँ कौन सा साइन आएगा देख लीजिए हमें चाहिए माइनस तो हम यहाँ रखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस अगर हमने यहाँ माइनस रखा तो बात बनेगी नहीं माइनस माइनस प्लस होता है जबकि हमें माइनस चाहिए सो माइनस प्लस माइनस तो ये यह वन एक्स यहाँ आ जाएगा नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप इन दोनों को पेयर बना लेते हैं और यहां पर इन दोनों को पेयर बना लेते हैं सो कॉमन इज एक्स एंड वी आर लेफ्ट विद एक्स माइनस थ्री यहां पर देखिए वन कॉमन है प्लस वन एंड वी आर लेफ्ट विद एक्स प्लस माइनस माइनस एंड वन थ्री थ्री बिल्कुल इसी तरह यहां पर कर लीजिए इन दो इन दोनों का पेयर बनाते हैं और इन दोनों का पेयर बनाते हैं सो लुक कॉमन एक्स नज़र आ रहा है दोनों साइड पर सो वी आर लेफ वेद वन एक्स माइनस टू एंड वन इज कॉमन सो वन एक्स प्लस प्लस माइनस माइनस एंड वन टू द टू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं इन्हें एक ही मरतबा लिखना होगा और वी आर लेफ्ट विद एक्स प्लस वन इन्हें भी ब्रैकेट में लिख लीजिए सेम है ब्रैकेट कॉमन है इसे वन टाइम लिख लीजिए और एक्स प्लस वन को भी ब्रैकेट में लिख लीजिए यू कैन सी यहाँ पर कोई प्लस या माइनस की साइन नहीं इसी तरह यहाँ पर भी कोई प्लस माइनस नहीं सो इट मीन्स वी कैन कैंसिल दैम सो वी आर लेफ्ट विथ एक्स माइनस थ्री ओ वो एक्स माइनस टू सो दिस इज आर रिक्वायर्ड एंसर ये फ्रेंड्स दिस इज देंड ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री आई होप You have understood fully well. Thank you.